अष्टांग हृदय के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। आज बिल्कुल नया अध्याय है, नए सूत्र है, वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में। अष्टांग हृदय में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है, एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं, और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला रहता है, ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ, वो देशी गाय है, और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। तो अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक, वातनाशक और कफनाशक तीनों काम एक साथ करता है। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ही तीनों काम करती हैं, वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को शांत करे ऐसी बहुत कम दवाएं हैं। उनमें से ये एक है गाय का मूत्र। तो कहा गया अष्टांग हृदय में कि गोमूत्र का आप अपने जीवन में उपयोग करें। बहुत सारी बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग आप करें। अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है, कैसे है, जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं या तो वात का नाश करेंगी, या पित्त का करेंगी, या कफ का करेंगी। बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं, वात और पित्त का नाश कर सकती है, पित्त और कफ का नाश कर सकती है, कफ और वात का कर सकती है, दो का नाश कर सकती है, एक को बढ़ा सकती है, एक का नाश कर सकती है, दो को बढ़ा सकती है। मतलब एक ही है कहने का, तीन को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई है। तीनों को, वात, पित्त, कफ, तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है। आप जानते हैं हमारे जमीन में, धरती में घास उगती है, हमारे जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है, फल वाला, वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं, और उसका बीच का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता है। मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं गाय भी लगभग वही खा रही है। आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं, गाय के लिए अनुकूल है बीच वाला हिस्सा तो उसको काट कर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, फॉस्फोरस की जरूरत है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। इस पृथ्वी में सबके सब उपलब्ध हैं। गाय को भी ऐसी ही जरूरत होती है, जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है। गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए। तो गाय को ये सारे के सारे उसके भोजन में मिलते हैं, और जो चीज आप भोजन के रूप में उपलब्ध कर पा रहे हैं या
सारी की सारी चीजें गाय के शरीर को पोषकता देने के बाद उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में, दही में, घी में, सभी में उपलब्ध होती है। गाय का शरीर पोषण पा गया, फिर उसके बाद वो सारे के सारे पोषक तत्व तो एक साथ मूत्र में, उसके गोबर में, फिर उसके दूध में, फिर दूध से बनने वाले दही में, घी में, सब में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि गाय के शरीर से मिलने वाली हर वस्तु औषधि है, और एक ऐसी औषधि है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है और उसके औषधीय गुण बहुत अधिक है। इसलिए अष्टांग हृदय में और भारत के दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में पंचगव्य का, गाय के शरीर से मिलने वाली वस्तुओं का बहुत महत्व है। दूसरा ये महत्व और इसलिए भी है कि गाय बहुत सारे जानवरों में, बहुत सारे पशुओं में बिल्कुल अलग है। अगर आप उसका स्वभाव देखेंगे, उसके गुणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे पशुओं का स्वभाव और गाय के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप करके देखिए इसको। गाय में सबसे ज्यादा वात्सल्य है, किसी भी दूसरे पशु में इतना नहीं हो सकता है, ही नहीं उतना गाय में। वात्सल्य तो सभी पशुओं में है, लेकिन गाय में सबसे ज्यादा। कभी भी गाय के बच्चे को आप बुरी नजर से देख लें, या गाय के बच्चे को किसी तरह से पीड़ित करने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और वही गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है गाय का अपने बच्चे के प्रति, कि सामने से कोई शेर आ जाए, शेर, चीता या ऐसा कोई हिंसक पशु जो उसके बच्चे को मार के खाने की स्थिति में हो, तो गाय उससे लड़ जाएगी अपने बच्चे को बचाने के। भले वो लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक प्रयास करेगी। इतना वात्सल्य जो है दूसरे पशुओं में नहीं है। जैसी गाय के सामने उसके बच्चे को मारो, पीटो और काट दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देशी गाय के सामने उसके बच्चे को थोड़ा भी आपने छू लिया, तो समझ लेना कि आप ही आफत आ गई। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम गाय में है। अब ये जो वात्सल्य है, ये जो प्रेम है, ये कुछ खास तरह के रसायनों से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं, मन में भावना आती है, हमारे मन में प्रेम की भावना आए या हमारे मन में गुस्से की भावना आए, ये दोनों ही कुछ हार्मोन्स के आधार पर होता है। हमारे शरीर में एक खास तरह का हार्मोन होता है जो डोपामाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीव्र जब होता है तो मन में प्रेम पैदा होता है, वात्सल्य पैदा होता है। ऐसी गाय में भी है। जो मनुष्य में है वो सब कुछ गाय में है। गाय में सबसे ज्यादा, पशुओं में जब हम तुलना करते हैं, गिनती करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये डोपामाइन नाम का हार्मोन है। वो उसके मस्तिष्क में पैदा होता है, हमारे भी मस्तिष्क में पैदा होता है, या हमारे मस्तिष्क से उसका स्राव होता है। गाय में भी ऐसा ही। तो चूंकि गाय में एक खास तरह का हार्मोन बहुत तीव्र है, इसलिए उसके मन में प्रेम और वात्सल्य बहुत तीव्र है। उस हार्मोन का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ता है, उस हार्मोन का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसके शरीर की अंदर की सारी क्रियाएं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म एक्शंस मानते हैं, चयापचय की सारी क्रियाएं उससे प्रभावित होती है। और आप जानते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के गुजरने के बाद ही मूत्र बनता है। वैसे तो पानी है, पानी जब आपकी कुछ खास तरह की शारीरिक क्रियाओं से गुजर जाता है तो मूत्र का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसे होता है, वैसे गाय के शरीर में होता है। तो गाय के शरीर में गया हुआ पानी
उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्शंस और रिएक्शन से गुजरने के बाद जो मूत्र बनता है, और गाय का शरीर हर समय प्रेम और वात्सल्य की भावना से भरा हुआ है, उसके शरीर में खास तरह के वो हार्मोन्स हैं, उसका असर आता है उसके मूत्र पर, उसके गोबर पर, उसके शरीर से मिलने वाले दूध पर आता है। फिर उस दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, सब में वो असर रहता है। इसलिए कहा गया कि गाय का मूत्र पंचगव्य चिकित्सा में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। आयुर्वेद चिकित्सा में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने गोमूत्र के महत्व को बताया, अष्टांग हृदय में भी ये महत्व है। तो आप अपने जीवन में इस बात का याद रखें कि एक साथ आपके शरीर को वात, पित्त और कफ एक साथ अगर आ जाए या असंगत हो जाए या विचलित हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, तो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन करने की ताकत गोमूत्र में है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। और ये क्षमता और ताकत, मैंने आपसे बार बार कहा, दूसरी दवाओं में उतनी नहीं है जितनी गोमूत्र में। इसलिए गोमूत्र चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गोबर चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध की चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध से दही बनता है उस दही की चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दही में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है, गाय के घी की चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। आप इसको आज के बाद याद रखें। गाय का एक तो भावना प्रधान मस्तिष्क, उसके आधार पर उसका शरीर, गाय को मिलने वाला भोजन, उसमें सभी तरह के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर उससे जो भी मिलेगा उन सभी में वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आना, इन कारणों से गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। कई शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य से भी ऊंचा स्थान गाय का। वैसे सभी शास्त्र ये कहते हैं मनुष्य बहुत ऊंचा है सभी जानवरों में, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मनुष्य से भी ऊंची गाय है। कई काम ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता वो गाय कर सकती, या बहुत सारे काम मनुष्य ने गाय से करना सीखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय से हमने बहुत कुछ सीखा है, गाय ने हमसे कुछ नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, गाय को जब भी उसके बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म लेते ही जो आवाज करता है उसी को देखकर हमने सीखा मां। ये जो मां शब्द है ये गाय से आ रहा है। गाय के बच्चे का जन्म होते ही आप देखो वो जिस तरह से चिल्लाएगा उसमें से एक ही शब्द निकलेगा, मां। और कहा यह गया है शास्त्रों में कि मनुष्य ने ये गाय से सीखा मां, तो हमने गाय से सीखा। और गाय में चूंकि वात्सल्य और प्रेम बहुत है इसलिए वो शब्द का ध्यान समझ में भी आता है कि को रिलेशन क्या है। दूसरा, गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लिया तुरंत गाय के शरीर से उसके सारे की सारी क्रियाओं की मदद से दूध उतरना जो शुरू हुआ, शास्त्र कहते हैं स्त्री शरीर में भी वैसे ही है, स्त्री शरीर में भी वैसे ही है। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम गाय को मनुष्य से ऊंचा रख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि गाय ईश्वर के सबसे नजदीक है, भगवान के सबसे नजदीक है। हम भगवान किसको कहते हैं? हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई वासना नहीं, जिसमें कोई अहंकार नहीं, हम भगवान उसको मान लेते हैं जिसमें मनुष्य जाति को होने वाले कोई भी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 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 बिल्कुल नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये भगवान है। गाय बिल्कुल वैसे,
काम क्रोध मद लोभ ये जितने भी कषाय माने जाते हैं इन सबसे बहुत दूर है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया गया कि गाय भगवान के नजदीक है सबसे ज्यादा। गाय के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी विशेषताएं हैं उसमें कि जिसके घर में गाय उसके घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। मैंने बहुत सारे किसानों के मुंह से ये सुना है, बहुत बार मैं गांव में जाता हूँ, बहुत किसान मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि राजीव भाई हमारे खेत में पानी नहीं था, हमने एक बोर कराया, दो बोर कराया, तीन बोर कराया, दस बोर कराए, पानी नहीं मिला। फिर किसी ने हमको कहा गाय ले आओ, तो हमने गाय लाई और गाय खेत में बांधी और उसके बाद बोर कराया तो पानी आ गया। गाय के लाने के पहले उनके खेत में पानी की बूंद नहीं, फिर उन्होंने किसी के कहने पर गाय लाके खेत में रखी तो जहां पहले पानी नहीं था वहां पानी आ गया। तो वो किसान अभी ऐसा मानते हैं कि गाय आने से पानी आ जाता है। फिर कुछ किसान मुझे ऐसा भी कहते हैं कि गाय आने से पानी ही नहीं आ जाता, सब कुछ आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, संपत्ति आ जाती है, समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मैंने बचपन में मेरी दादी माँ से बार बार ये सुना था कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। मेरे बात उस समय समझ में नहीं आती थी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, नहीं समझ में आती थी, बस सुनता था। और भी बड़ा हुआ तो और दूसरों से सुना, बार बार सुना, बार बार सुना। फिर कुछ 10-12 सालों से मैंने वो देखा मेरी आंखों से कि गोबर में लक्ष्मी का निवास किस तरह से है। तो भारत में ऐसे हजारों किसान हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो गाय के गोबर से खेती करते हैं और एक दाना भी खेत में यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, सारा गेहूं चावल चना दाल मटर उसका उत्पादन वो गाय के गोबर से करते हैं। और वो मुझे बताते हैं कि जब वो यूरिया डालते थे, डीएपी डालते थे, तो एक एकड़ में उनको 15 क्विंटल गेहूं होता था। अब जब से गाय का गोबर वो डाल रहे हैं तो एक एकड़ में 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है। महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान मुझे बताते हैं और मैं देख के आया उनके खेत कोल्हापुर और सांगली जिले में, वो ये कहते हैं कि पहले हम गोबर डालते नहीं थे, यूरिया डीएपी डालते थे, तो एक एकड़ में 25 टन तक गन्ना होता था। अब वो गोबर डालते हैं गाय का खेत में तो वो कहते हैं एक एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है उसी खेत जिसमें पहले वो डालते थे यूरिया डीएपी, तो 25 मीट्रिक टन 30 मीट्रिक टन अब उसमें डालने लगे गाय का गोबर तो उनके गन्ने का उत्पादन हो गया 90 मीट्रिक। कपास पैदा करने वाले कई किसान मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि पहले हम यूरिया डीएपी डालते थे तो एक एकड़ में 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल कपास होती थी, अब उसी में गाय का गोबर डालते हैं तो कपास होती है 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल। एक किसान भाई तो ऐसे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं तो करोड़पति उसी दिन से हुआ जिस दिन से मैंने गोबर खेत में डालना शुरू किया। कि जो जो किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी बंद करके गोबर डाल रहे हैं सबका उत्पादन बढ़ रहा, और इतना ही कितना बढ़ रहा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 20-25 मीट्रिक टन वाला उत्पादन 90 मीट्रिक टन हो गया, 12-15 क्विंटल वाला उत्पादन 25 क्विंटल तक पहुंच गया। चावल और धान के खेतों में मैंने मेरी आंखों से देखा है कई किसान एक एकड़ में 30 क्विंटल तक धान निकाल रहे हैं, और वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं कि हमारी सारी आधुनिक दवाएं जो केमिकल से बनती है, यूरिया डीएपी और उनके साथ पेस्टिसाइड, वो फेल हो जाते हैं लेकिन गोबर कभी फेल नहीं होता। तो गाय के गोबर को
खेत में इस्तेमाल करने से उत्पादन ज्यादा मिले, फिर उस उत्पादन को वो बाजार में बेचे तो लक्ष्मी ही आई। तो गोमय वसत लक्ष्मी एक सूत्र है हमारे शास्त्रों में गाय के लिए, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, वो अब समझ में आ गया। इसी तरह से एक सूत्र है गोमूत्रे धन्वंतरी, गोमय वसत लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी, गाय के मूत्र में बताया गया धन्वंतरी का निवास है। अब धन्वंतरी को हम मानते हैं आरोग्य के देवता हैं। अभी दीपावली आ रही है, हम पूजा करेंगे, धनतेरस आएगी उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होगी। और कहा गया कि ये धन्वंतरी तो गोमूत्र में है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी जिनकी हम पूजा करते हैं, और वो गाय अपने शरीर में उनको धारण किए हुए। ये धन्वंतरी जी की बात बचपन से मैंने सुनी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी है। पिछले 10-12 वर्षों से मैं भारत में जगह जगह प्रवास करता हूँ, तो मैंने देखा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो गोशालाएं चलाती हैं, उन सभी संस्थाओं में गाय के मूत्र से चिकित्सा की जाती है, और ऐसे ऐसे रोगों का इलाज हो रहा है जो किसी दूसरी पैथी में संभव नहीं। जैसे कैंसर रोग आप जानते हैं आसानी से ठीक नहीं होता, लेकिन वही कैंसर गोमूत्र की दवाओं से बहुत आसानी से ठीक होता है। मैंने कल परसों के प्रशिक्षण शिविर में बताया था कि गाय के मूत्र में गेंदे के फूल की पत्तियों की चटनी बनाकर उबालकर थोड़ा हल्दी डालकर आप उपयोग करना और कराना शुरू करो, तो पेट के अंदर के कैंसर में इतना तीव्र लाभ होता है जो किसी दूसरी पैथी में संभव है। इंटेस्टाइन का कैंसर हो, लार्ज का या स्मॉल का, रेक्टम कैंसर हो, कोलेक्ट्रल कैंसर हो, आहार नली का कैंसर हो, ऑसियोफेगस कैंसर हो, जो सब प्राण घातक माने जाते हैं, वो गोमूत्र चिकित्सा से बहुत आसानी से ठीक हो। ये अपना जो महर्षि बागवत पंचगव्य चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं और कैंसर का इलाज करवा के आराम से ठीक होके जाते हैं। ब्लड कैंसर ठीक होता है, बाकी अंदर के सभी कैंसर ठीक होते हैं। अब कैंसर जैसी बीमारी जो दूसरी चिकित्साओं में आसानी से ठीक नहीं होती, एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइलाज है, वो आराम से गोमूत्र से ठीक होती है। तो गोमूत्र चिकित्सा कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह से मैंने खुद उपयोग करके देखा, मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं वो भी उपयोग करके देखा, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, अद्भुत परिणाम आते हैं गोमूत्र चिकित्सा के इन बीमारियों में जो असाध्य मानी जाती है। दमा आप जानते हैं असाध्य बीमारी है, सभी एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं दम निकलने के बाद ही दमा जाता है, दमा अस्थमा, लेकिन गोमूत्र से बहुत आसानी से 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस फैमिली की बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, एफ, ये सब बीमारियां जिसको जॉन्डिस के नाम से हम जानते हैं, पीलिया के नाम से जानते हैं, आसानी से एलोपैथी में ठीक नहीं होती है। हेपेटाइटिस ए तो ठीक हो जाता है, बी, सी, डी, ई, एफ तो बहुत ही तकलीफ करता है, वायरस पड़ा ही रहता है जिंदगी भर, वो बीमारी गोमूत्र से ठीक होती है। तो हमने ये देखा पिछले 10-12 वर्षों में और ये पाया कि गाय के मूत्र से बहुत सारी असाध्य बीमारियां जिनकी संख्या 1 नहीं 48 असाध्य बीमारियां मानी जाती है मनुष्य शरीर की, वो सब आसानी से ठीक होती है। तो समझ में आ गया गोमूत्र धन्वंतरी, गोमय वसत लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास। एक तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करे, एक साथ ऐसी दवा पृथ्वी और ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है जो एक साथ वात पित्त कफ तीनों का नाश करे, और ऊपर से गाय की भावना प्रेम और वात्सल्य की, क्योंकि माँ की जो भावना है वो गाय की है। माँ जो है किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का अहित नहीं होने देती, किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए,
माँ बहुत बीमार हो, माँ बहुत लाचार हो, चलने में फिरने में बिल्कुल अपंग हो, फिर भी उसके दिल में अपने बच्चों के प्रति हमेशा सद्भाव, सद्भावना, उपकार, परमार्थ यही है। ये सब गाय में, गाय कितनी भी बीमार हो, कितनी भी लाचार हो, लेकिन अपने बच्चों के प्रति तो उसके मन में कभी भी दुर्भावना नहीं है। आजकल हम लोगों के मन में एक बड़ी गलत फहमी घुसी है, बहुत सारे लोग गाय का मूत्र पीना चाहते हैं, पीते भी हैं चिकित्सा के रूप में, लेकिन अक्सर मुझे एक सवाल करते रहते हैं, राजीव भाई क्या बताएं, वो गाय तो कचरे में मुंह मारती है, अब उसका मूत्र पिएंगे तो क्या होने वाला है। मन में कहीं कोने में रहता है कि ये मूत्र पीना ना पड़े, तो उसके लिए बहाने ढूंढना शुरू करते हैं। उनमें से एक बहाना है, वो तो कचरे में मुंह मारती रहती है, कूड़ा खाती रहती है, तो क्या करें, उसके मूत्र को पिए कि नहीं पिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि माँ कितनी भी लाचार मजबूर हो, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का तो बुरा नहीं करेगी, मतलब गाय कितना भी कचरा खाए, कूड़ा खाए, आप चिंता मत करो, आपको तो नहीं मारेगी। अगर आप उसका मूत्र पी रहे, कचरा खाने वाली भी गाय का मूत्र पी रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको नहीं मारेगी, क्योंकि ये परीक्षण हमने करके देखा। एक बार मेरे जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि करके देखो भाई, हमने क्या किया था, बहुत सारी गाय जो सड़क में घूमती है, किसी की तो है पाली हुई, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, तो सड़क में घूमती है, कुछ कचरा खा लिया उसने, कचरा खा लिया तो हमने उनका मूत्र लिया, जो कचरा खाने वाली गाय का मूत्र लिया, उसको परीक्षण के लिए दिया, करके देखो भाई इसको, तो पता हर बार ये चला कि उसके मूत्र में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है। एक बार तो एक गाय के साथ ऐसा भी परीक्षण किया कि उसके भोजन में थोड़ा विष दिया, थोड़ा संख्या एक विष होता है, अंग्रेजी में हम लोग उसे आर्सेनिक कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, और हर दिन विष देने के बाद उसके मूत्र को निकाल के परीक्षण किया, थोड़ा भी विष मूत्र में नहीं था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस गाय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को जब ध्यान से देखा गया और डिसेक्शन किया गया, तो सारा विष उसके गले में इकट्ठा था, नीचे नहीं गया। तो बचपन की एक बात याद आ गई, आपने भी सुना होगा, गाय के गले में शंकर जी का निवास है और शंकर जी विष को धारण करते हैं, गरल पी लेते हैं, हो सकता है शंकर जी ने पी लिया, नीचे नहीं गया। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि गाय कचरा खाएगी, कूड़ा खाएगी, तो उसके मूत्र को पीने लायक माने कि नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम मूत्र तो वही है जो गाय जंगल में चरने जाए और घास आदि चारा खाए, वो तो उत्तम है ही, लेकिन आप इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर वो कचरा भी खाएगी तो भी आपको तो जहर नहीं देगी, वो खुद जहर ले लेगी, आपको तो नहीं। और हम कुछ व्यवस्था ऐसी बनाएं कि गाय कचरा खाए क्यों, ये तो हमारा निकम्मापन है, हमारी नाकामयाबी है कि गाय कचरा खाए। हमारा निकम्मापन और नाकामयाबी क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते, पहले जितना ध्यान दिया जाता था गाय पर अब उतना नहीं। और हम ऐसे भी काम करते हैं अपने हाथों से कि गाय के लिए कुछ खाने पीने का दे तो पॉलीथिन में डाल के छोड़ देते हैं। अब गाय के शरीर में एक ही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। गाय का मुंह भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप कुछ भोजन को अंदर डालो और आप में कैपेसिटी है कि आप उसे बाहर भी निकाल सकते हो, कैसे, उल्टी करके, गाय उल्टी नहीं कर सकती, बस इतनी ही एक कमी है। गाय के मुंह में कोई चीज चली गई,
तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। मुंह की डिजाइन ऐसी है, मुंह का उसका बनाने का भगवान ने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है। आप में तो ऐसी विशेषता है कि कोई चीज खाई और आपको लगा कि खराब है, तुरंत आप थूक देंगे, या गर्दन तक भी गई तो खींच के निकाल लेंगे, गाय नहीं कर पाते। इसलिए आप जो पॉलिथिन में कोई चीज डाल देते हैं तो खाने की कोशिश तो वो उस चीज की करती है, लेकिन उसके साथ पॉलिथिन चली जाती है। और हम कुछ आज के जमाने के पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं कि कोई भी कचरा पॉलिथिन में डालना शुरू कर दिया है और बांध और देते हैं उसको पॉलिथिन ऊपर से बांध और फेंक देते हैं। अब उसको तो खाना है वो जो अंदर है, अब पॉलिथिन को खोले कैसे? तो हमारे निकम्मेपन और नाकामयाबी का सबूत है गाय कचरा खाए। गाय कचरा क्यों खाए? इस देश में परंपरा रही है हजारों साल, हर घर में पहली रोटी गाय की, हर घर में पहली रोटी गाय की। अब जिस देश में हजारों साल से ये परंपरा रही हो, हर घर में पहली रोटी गाय की, तो इस देश में 21 करोड़ घर है, तो 21 करोड़ रोटी रोज हो गई कि नहीं हो? और अगर 21 करोड़ रोटी रोज निकल रही है घरों से तो गाय तो भूखी रह नहीं सकती, लेकिन अब ये रोटी निकलना बंद हो गई घरों से। हमारे घरों में अब ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पहली रोटी गाय की अब नहीं निकलती। मुझे बचपन का याद है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। माने ये गाय है, ये कुत्ता है, ये है, ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं, भले वो स्वतंत्र घूमते रहते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारे यहाँ परंपराएं बनी है इसी हिसाब से कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आखिरी रोटी भी कुत्ते की नहीं निकलती है, समस्या पता है क्या आ गई? रोटी बनती ही नहीं है, अब तो डबल रोटी आती है, पाव रोटी आती है, कई घरों में तो होटल से आने लगी है। अब होटल से आने लगी है, डबल रोटी आने लगी, पाव रोटी आने लगी, तो रोटी बने नहीं तो निकले कहां से? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये ज्यादा, रोटी बनाने का क्या चक्कर, बनी बनाई लिया होना, सब्जी दाल बनाने का क्या चक्कर, बना बनाया ले आओ ना। और घर वाले तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, वो कहते क्या रोज रोज एक ही तरह का खाना, एक दिन होटल में जाके खाओ ना। तो जब हम होटल में जाके खाने लगे तो गाय की रोटी कौन निकाले? जब हम होटलों में जाने लगे तो कुत्ते की रोटी कौन निकाले? तो गाय और कुत्ते की रोटियां निकलना कम हो गई, और ये निकलना कम हो गई तो फिर गाय भूखी रहने लगी, भूखी रहने लगी तो उसको जो मिले वो खाने लगी। तो हमारी गाय कचरा खा रही है, इसमें गाय का दोष नहीं है, दोष तो हमारा, हम अपने को सुधारे तो गाय को कचरा खाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। एक तो क्या हुआ कि गांव में जहां गाय पाली जाती है वहां पहले गोचर भूमि हुआ करती थी। आप जानते हैं सभी गांव में गाय के लिए एक स्थान निश्चित, उसको कहा जाता है गोचर भूमि। ऐसा एक भी गांव नहीं इस देश में जहां गोचर भूमि ना हो। अब पिछले 50-60 साल में क्या हुआ कि ये जितनी गोचर भूमि थी ये गांव के नेता सब बेच बाच के खा गए, गाय की जमीन बेच के खा। जमीन की कीमतें जब से बढ़ी इस देश में, गाय के लिए सुरक्षित स्थान गोचर भूमि सरपंचों ने, पंचों ने, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने बिल बांट के खा ली, या उस पर अपनी बिल्डिंगें बना ली, भवन बना लिए, घर बना लिए, जो कर लिया। अब गाय तो बिचारी कहने किसको जाए कि मेरी जमीन थी, इस पर घर क्यों बनाया तुमने, मेरी जमीन दूसरे को बेची क्यों? वो तो प्रेम भरी माँ है, माँ कभी शिकायत नहीं करती अपने बच्चों को, तो वो शिकायत करे किससे या करे क्यों? हम नालायक और निकम्मे उसके बच्चे कि उसकी जमीन ही खा गए बेचो। तो गांव में गोचर भूमि खत्म हो गई, तो गाय खाए कहाँ, जाए कहाँ, चले कहाँ? और शहरों में
माताओं बहनों ने रोटियां निकालना बंद कर दिया तो उसकी वो भी व्यवस्था कम हो गई। और तीसरी समस्या ये आई कि आज के हम लोगों ने जो पैसे के स्वार्थ में इतने अंधे हैं, उन्होंने गाय का सारा वजन उसके दूध से नापना शुरू कर दिया। जो दूध दे तो ठीक, नहीं दे तो जयराम जी। जैसे ही उसने दूध देना बंद किया, हमने बाहर छोड़ दिया, तिलक लगाया छोड़ दिया। अब वो कहीं भी मारी मारी फिरे, कहीं भी भटकते। तो ये जो परिवर्तन आए हम में आधुनिकता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हम में ऐसे खराब परिवर्तन आए हैं जिस पर हम घंटों चर्चा करें तो पूरी नहीं। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी है जिसमें गाय तो रखो मत, घर में कुत्ता रखो। कुत्ते के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इसको कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए, इसको खुला छोड़ना चाहिए। और गाय के बारे में शास्त्रों में कहा गया है इसको साज संभाल करके रखना चाहिए, देखभाल के साथ रखना चाहिए। कुत्ता स्वतंत्र रहना चाहिए, गाय हमारी आंखों के सामने साज संभाल से रहना चाहिए। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी कि गाय तो छोड़ दी, कसाई ले जाए काटने को या कोई ले, कुत्ता पकड़ के घर में बांध के पट्टे से रखा और बड़े शान से बताते देखो मेरा कुत्ता। और बताते नहीं है, रोज सवेरे उसको टहला के लेके जाते हैं, खुद नहीं जाएंगे लेकिन कुत्ते को लेके जाएंगे, शूशु कराएंगे, उसको संतास करवाएंगे, सब करवाएंगे। और गाय की बात करो तो नाक चढ़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं, गाय घर में रखें। कुत्ते और गाय की कोई तुलना नहीं कर सकती। फिर हमने ऐसी आधुनिक शिक्षा सीखी इस देश में, यह शिक्षा ने सत्यानाश किया। अंग्रेजी शिक्षा ने तो सवा सत्यानाश किया। हम कॉन्वेंट में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गाय का गोबर, जिस गाय के गोबर से स्नान किए बिना आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, जिस गाय के गोबर का लेपन किए बिना यज्ञ की वेदी नहीं बना सकते आप, उस गाय के गोबर को हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे इसमें बदबू आते हैं। और दुनिया भर का कचरा, अंग्रेजी सेंट और परफ्यूम, उसमें खुशबू आती है जो त्वचा को भी नुकसान करते हैं, शरीर को भी नुकसान करते हैं। ये दुष्परिणाम आया कहां से? ये पिछले 100-150 साल की जो अंग्रेजी शिक्षा हमको मिली, मैकॉले शिक्षा मिली, उसने उल्टा घुमा दिया हमारा दिमाग। गाय से घूम कर हम कुत्ते पे चले गए, गोबर से घूम कर हम पता नहीं किस किस केमिकल पे चले गए। अभी हमें थोड़ा दिमाग अपना सीधा करना है। इसके लिए मैंने अष्टांग हृदय का ये सूत्र आपसे कहा है, आप आज के बाद अपने मन में गाय के बारे में मन और भावना दोनों बदलो। सबसे पहले बात तो ये जान लो कि उसके शरीर से कितना भी कचरा खाए आपको जहर नहीं मिलेगा, ये तो पक्का, ये हमने खूब करके देखे। इसलिए कभी भी दिमाग में ये बात लाना नहीं कि ये गाय कचरा खा रही है तो इसके गोबर का उपयोग करें ना करें, मूत्र का उपयोग करें ना करें। आप बिल्कुल बिंदास, कुछ तकलीफ हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूं। दूसरा, अपने मन में कुछ ऐसे संकल्प करो कि भाई अपने हाथों गाय का कुछ सहयोग हो। अपने हाथों गाय का सहयोग हो तो क्या हो, एक रोटी सवेरे शाम गाय के निकले, एक से ज्यादा निकले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे घर निकाल ही नहीं गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी आप ले लो। आपकी समझ में आ गया तो घर में गाय की रोटी तो निकले ही, और उसको सम्मान के साथ गाय को खिलाया जाए, ये नहीं कि कहीं पटक के चले। और पॉलिथिन में बांध कर कभी भी कोई ऐसी चीज मत फेंको जो गाय के खाने के काम आ सके। जैसे सब्जियां हैं, आप सब्जियों के छिलके उतारते हैं, ये सब छिलके गाय के लिए उपयोगी है। आप सब्जी छील के खाते हैं, वैसे आप ना खाओ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम छील के खाते हैं, तो आप जो उतार रहे हो सब्जी का हिस्सा वो सब गाय के काम का है, तो उसको पॉलिथीन में बांध के तुम कभी मत।
तो आप बोलोगे फिर फेंके कैसे, ऐसी फेंक दो ना, गाय आते जाते उसको जो लगेगा उसको चुन के खा लेगी। पॉलिथिन तो खत्म करो मान के फेंकने से, दूसरा ये करो। और तीसरा, नियमित रूप से आपके जीवन में जब भी कोई गंभीर तकलीफ आए, वात की हो, पित्त की हो, कफ की हो, तो गौमूत्र का उपयोग करो। इससे क्या होगा, आपको गाय के प्रति सद्भावना, उसके प्रति महत्व बढ़ता ही जाएगा। जब आप परिणाम देखेंगे तो महत्व भी समझ में आएगा। तो आप अपने जीवन में वात रोगों से पीड़ित हैं तो, पित्त रोगों से पीड़ित हैं तो, कफ रोगों से पीड़ित हैं तो गौमूत्र का इस्तेमाल करो। एक ही थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि पित्त के रोगी गौमूत्र का इस्तेमाल करें पानी मिलाकर, वात और कफ के रोगी गौमूत्र का इस्तेमाल करें सीधा। पित्त के रोगी माने गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट में घाव हो गया, इस रोग से ग्रसित रोगी अगर गौमूत्र प्रयोग कर रहे हैं तो उनके लिए ये सावधानी है कि वो पानी मिला के करें उपयोग, और गाय के मूत्र में बराबर पानी मिलाया जा सकता है। और कफ और वात के रोगी हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कफ के रोग हैं। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कफ के रोग हैं। तो कफ के रोगी सीधा उपयोग कर सकते हैं गोमूत्र बिना पानी मिलाए, और वात के रोगी भी सीधा गोमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पानी मिलाए। गाय के शरीर से निकला हुआ मूत्र सीधे उपयोग करना, पीना। अब कब पिए, कितना पिए, आधा कप बड़े व्यक्ति के लिए, आधा कप माने 50 मिलीलीटर एक खुराक बड़े आदमी के लिए, और 18 साल से कम उम्र वालों के लिए 20 से 25 मिलीलीटर। और हमेशा गोमूत्र पीने का सर्वोत्तम समय शास्त्र में कहा गया है सुबह का, खाली पेट निराहार, उस समय सबसे अच्छा। आप बोलेंगे जी बदबू आती है, कोई बदबू नहीं आती, एक दो दिन पिएंगे फिर उसी में खुशबू आना शुरू हो जाए। मैं बताऊं, ये बदबू और खुशबू मन की एक विशेष अवस्था है। वास्तव में किसी चीज में बदबू नहीं है और किसी चीज में खुशबू नहीं है, वो मन की एक अवस्था है। मैं आपको जानकारी देता हूं, इसमें आप हंसना नहीं, गंभीरता से सोचना। ये जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट जो आपकी टट्टी की जांच करते हैं, पेशाब की जांच करते हैं, वो रोज टट्टी की जांच करते हैं, बदबू आना बंद हो जाती है, नहीं आती। हाँ, आप जिस संडास में टट्टी में बदबू महसूस करते हैं, आपका पैथोलॉजिस्ट उसी को जांच करता है, उसके नाक के सबसे नजदीक रहती है, उसको नहीं आती, एक दो दिन आती है फिर नहीं आती। मां महत्व की बात क्या है, ये शरीर है जो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो आज एक दो दिन पिएंगे गोमूत्र में बदबू आएगी, तीसरे दिन से शरीर ने एडजस्ट कर लिया, बंद हो जाएगी। तो गोमूत्र पीने में बदबू आती है ये तो दिमाग से निकाल दो। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो थोड़ा तीखा लगता है, एक दो दिन लगेगा फिर उसके बाद नहीं लगेगा, एक दो दिन लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। फिर आप पूछेंगे कितने दिन ले सकते हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे दमा बहुत गंभीर बीमारी है, अस्थमा बहुत गंभीर बीमारी है, सिनोफिलिया गंभीर बीमारी है, जो देर में बीमारी आती है ना उतनी ही देर में जाती है, ये मोटी बात याद रखना। जो बीमारी शरीर में जितने देर में आती है वो उतनी ही देर में जाती है, जैसे मोटापा, मोटापा एक दिन में किसी को नहीं आता, धीरे 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 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप स्थूल होते हैं तो वो धीरे धीरे ही जाएंगे। दमा अस्थमा भी ऐसी बीमारी है, कैंसर भी ऐसा। तो जो बीमारियां देर में जाने वाली हैं उनके लिए गोमूत्र सेवन कम से कम 3 महीना, 90 दिन। और जो जल्दी जाने वाली है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये सब जल्दी जाने वाली है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ये सब जल्दी जाने वाली बीमारियां हैं, इनमें गोमूत्र 1 हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक।
ऐसे याद रखना। ज्यादा लंबी बीमारी है ज्यादा दिन गौमूत्र पीना, जल्दी ठीक होने वाली बीमारी है कम दिन पीना। सबसे आसानी से जो बीमारी जाती है गौमूत्र से, दो तीन दिन में ही मिटती है, वो सर्दी खांसी जुकाम डायरिया डिसेंट्री कॉन्स्टिपेशन, तीन दिन में ही मिटाने की ताकत है गौमूत्र। सर्दी खांसी जुकाम डायरिया डिसेंट्री कॉन्स्टिपेशन ये बीमारी दो तीन दिन में ही मिट जाती है, तो तीन दिन पर्याप्त है। तो तीन दिन से लेकर तीन महीने तक गौमूत्र का सेवन होता, और तीन महीने लेने के बाद आप बोले कि बीमारी पूरी मिटी नहीं, तो आप ऐसा करना एक महीने के लिए या 20 दिन के लिए गौमूत्र छोड़ दे, गौमूत्र हो या गौमूत्र की दवा हो, तीन महीने लगातार लेना 90 दिन, फिर भी पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं हुई तो बंद कर देना, 15-20 दिन बंद रखना, 25 दिन बंद रखना, एक महीने बंद रखना, फिर शुरू कर देना। और एक बार बंद करके फिर 3 महीने फिर ले सकते हैं। गौमूत्र के बारे में ये ध्यान रखना, 3 महीने लेकर थोड़े दिन छोड़ना, फिर और 3 महीने लेना, फिर थोड़े दिन छोड़ना। क्यों छोड़ना? इसलिए है कि शरीर को इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। गौमूत्र कुछ इस तरह की आदत लगा देता है जैसे चाय पीना शुरू किया, आदत लग गई, अब नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा, वैसे ही गौमूत्र में होता है, लगातार पिया अब लग गई आदत, अब नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीच बीच में छोड़कर उसका उपयोग करना। तो छोड़ दिया 15-20 दिन महीने भर के लिए, फिर दोबारा कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर अब गौमूत्र का उपयोग और गोबर का उपयोग दोनों ही तरह से होता है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी उपयोग क्या है? खाज हो गई, खुजली हो गई, दाग हो गया, शरीर में दाग धब्बे हैं काले पीले सब तरह के, इस पर गोमूत्र और गोबर लगाना। कैसे लगाना? गोबर में गोमूत्र मिलाना और लगाना, लगा के थोड़ी देर 10-15 मिनट सूरज की धूप में रखना, फिर उसके बाद धो देना। बाहरी उपयोग सब तरह के खाज खुजली दाग सब 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 मिटा देना। और आंतरिक उपयोग है वो पीना है, गोबर का रस भी पिया जाता है, गोमूत्र भी पिया जाता है, लेकिन आप सभी बीमारियों में खाली गोमूत्र पीते रहे, एक या दो बीमारी है जिसमें गोबर का रस पीने की जरूरत पड़ती है, बिना उसकी वो ठीक नहीं होती, वो बीमारियां अक्सर गर्भवती माताओं में होती है। मां अगर गर्भावस्था में है तब उसको गोमूत्र के साथ गोबर भी पीना पड़ सकता है। वो कौन सी स्थिति में? अगर कोई मां गर्भावस्था में है और डॉक्टर ये कह रहा है कि डिलीवरी के लिए सिजेरियन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन डिलीवरी नहीं होगी, तो उस मां को अगर डिलीवरी बिना ऑपरेशन ही करानी है, मान लीजिए घर वालों ने तय किया हम तो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बहुत तकलीफ है, जिस मां को बच्चे ऑपरेशन से बाहर आते हैं उस मां को जिंदगी भर दर्द रहता है, पेट का, कमर का, ये जड़ों का दर्द, पैरों का दर्द, ये रहता ही है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिजेरियन जो है वो अप्राकृतिक क्रिया है, अननेचुरल है, भगवान ने नहीं बनाया, ये आदमी ने बनाया सिजेरियन, भगवान की क्रिया ये नहीं है, इसलिए ये अप्राकृतिक है। हर अप्राकृतिक क्रिया जिंदगी भर में ये तकलीफ है, और जो मां को सीजरेन हुआ फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा इनका गर्भाशय काट के निकालो, इनका ये करो, इनका ये जिंदगी भर का लफड़ा चलता ही, कभी भी वो मां चैन और शांति से 2-5 साल बिता ही नहीं सकती। इसलिए मैं सभी माताओं के लिए विशेष रूप से कहता रहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बिना सीजरेन के जिंदगी दें, दुनिया में आने दें, तो उसमें गाय का मूत्र आपको बड़ी मदद करेगा। माता इस बात को ध्यान रखें, भाइयों भी को बोलना चाहता हूं कि जब किसी माँ को डॉक्टर बोल देगा कि सिजेरियन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं है, तो आप डॉक्टर से एक तो छुट्टी ले लीजिए, डॉक्टर को राम राम कह दीजिए, माँ को घर ले आइए या लेके ही बन जाइए ऐसे डॉक्टर के पास, इतना करिए
कि अगर समय पूरा हो गया, समय तो आप जानते हैं 9 महीने 9 दिन, बच्चे के गर्भ का समय है 9 महीने 9 दिन, उसके बाद तो उसे बाहर की दुनिया में आना ही है। मान लीजिए 9 महीने पूरे हो गए या 9 महीना 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, तो आप क्या करें, गाय का थोड़ा गोबर और गाय का थोड़ा मूत्र ये मिलाए आपस में, कितना गोबर कितना मूत्र 50-50 ग्राम ले सकते हैं, मिला ले कपड़े में छान ले, उसको छान कर माँ को मिला ले। अब 50-50 ग्राम गोबर और मूत्र को आप जब छानेंगे और कपड़े में, तो वो जो 2 या 3 खुराक में उसको पिलाए, 2-3 चम्मच एक बार, 2-3 चम्मच फिर एक बार, 2-3 चम्मच एक। मैंने जितनी माताओं को ये पिलाया है, 4थी खुराक देनी नहीं पड़ी है, बच्चा अपने आप बाहर है। ये गोबर और मूत्र की शक्ति है, आप उसका उपयोग करें। इसमें एक ही सावधानी है कि अगर बच्चा 8 महीने में बाहर आ रहा है, 7 महीने में बाहर आ रहा है, तो ये उतना उपयोगी नहीं है। समय जब पूरा हुआ और उसके बाद आ रहा है, उसी के लिए ये उपयोगी है। 7-8 महीने में बच्चों को कई बार बाहर निकालना पड़ता है, कोई गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाए, जैसे गर्भाशय में पानी सूख गया, तो बच्चे को हो सकता है 7वें महीने में निकालना पड़े, 8वें, तो उसमें ये उतना काम नहीं आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो 9 महीने में बच्चे आ गए हैं, उन सबके लिए ये बहुत उपयोगी। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि किसी माँ को मैंने बोल दिया कि ले लो, तो उन्होंने 1 खुराक तो ले ली, 2 खुराक को ले ली, और फिर लगा कि नहीं हॉस्पिटल चलना ही चाहिए, तो हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में माँ बैठ गई और गाड़ी में ही प्रसव हो गया। बहुत ऐसी माताएं होती है ना, धीरज नहीं, पेशेंस नहीं, चलो ये डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हो गया, ऐसा बहुत होता है। तो इसमें बस इतना ही करना है कि देने के बाद 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको परिणाम तो आना ही है। ये बहुत आसान उपाय है हर उस माँ के लिए जो बिना सीजेरियन अपनी डिलीवरी चाहती है। और एक जानकारी दो, आजकल कई माताएं हमारी ऐसी हैं जिनके शरीर में ताकत थोड़ी कम है। भगवान ने माँ का शरीर पुरुष से ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि माँ बनती है इसलिए उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत होती है। पुरुष को इतनी ताकत नहीं दी है भगवान ने, स्त्री को ज्यादा, क्योंकि स्त्री ही है जो माँ बनती है, 9 महीने अपने पेट में किसी दूसरे जीव को पालती है, उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है। स्त्री में शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो विनम्र बहुत है, तो विनम्र होने के कारण वो जल्दी रो सकती है, उसको आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, वो पुरुष के शरीर में कम है, तो लोग क्या कहते हैं, ये रोती है इसलिए कमजोर है। रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, चिकित्सा विज्ञान में रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज से आप ये कहना बंद कर दो, क्या लड़की की तरह से रोता है, ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। ये भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है स्त्री के शरीर में, वो पुरुष को नहीं है, वो रोने से अपने स्ट्रेस को कम करती है। आप कभी भी करके देख लो, आप जैसे ही रो लोगे आंसू निकल जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ये पुरुषों में नहीं हो पाता, इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को ही आते हैं, क्योंकि वो रो नहीं पाते। अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर देता कि पुरुषों को भी रोने वाला हार्मोन दे देता, तो हार्ट अटैक से इतने पुरुष नहीं मरते जितने मरते हैं। स्त्रियों को सबसे कम हार्ट अटैक आते हैं, इस सच्चाई के बावजूद कि उनके ऊपर कई तरह का तनाव होता है। मैं मानता हूं, और आप करके देख लीजिए, दुनिया का सबसे सबसे मुश्किल काम है अगर कोई, तो बच्चे को बड़ा करना, ये पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम, बच्चे को बड़ा करना।
कोई आप फैक्ट्री चला सकते हैं कार बनाने की, स्कूटर बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की और एरोप्लेन बनाने की भी फैक्ट्री चला सकते हैं, वो भी आसान काम है। उससे ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे को पढ़ाना। माँ के ऊपर इसका सबसे ज्यादा तनाव रहता है, इसके बावजूद माताओं को हार्ट अटैक सबसे कम आता है इसके बावजूद, जबकि तनाव जीवन भर। बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, बच्चे से ज्यादा माँ को तनाव, टेंशन, दिल में दुखाव है, दर्द है। बच्चे की बीमारी माँ को ज्यादा, पिता को तो इतनी नहीं है। बिना पिता के बच्चा बड़ा हो सकता है, बिना माँ के मुश्किल हो जाता है बड़ा होना। तो बच्चे को बड़ा करने का सबसे ज्यादा तनाव दबाव किसी माँ के ऊपर होता है। इसी तनाव और दबाव को हर समय रिलीज करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था दी माँ को कि वो रोए, आंसू निकाले। जैसे आंसू निकलेंगे तुरंत हल्की हो जाएगी वो और अगले तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। पुरुष में ये नहीं है, इसलिए पुरुष में ऐठ बहुत है। रोना क्यों, कमजोरी क्यों दिखाना? ये कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बात है। आप चूंकि रो नहीं पाते हैं इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, हार्ट अटैक लाते हैं, कार्डियक अरेस्ट लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और अंत में कई बार पता है जब केस लिमिट के बाहर चला जाए, डॉक्टर को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो डॉक्टर दवाएं देकर पुरुषों को रुलाते हैं। ये जो साइकियाट्रिस्ट है ना, ये क्या करते हैं? ये आपकी क्लास लेते हैं और क्लास लेके रोने की स्थिति तक ले जाते हैं। अमेरिका यूरोप में तो रुलाने वाले डॉक्टरों की फीस एक एक घंटे की $1,000 से कम नहीं होती। घंटे भर वो आपको देगा, $1,000 ले लेगा, आपको एक ही काम करेगा, रुलाएगा। स्त्रियों को ये फोकट नहीं है, 2-3 मिनट में कभी भी आंसू निकल जाएंगे, बात खत्म हो गई, बात गई और वो गई तो रास्ता खुल गया। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए लड़कियों की तरह से क्या होता है। रोना प्रकृति में भगवान ने दी है एक ऐसी व्यवस्था जो मन के तनाव को हटाने के लिए। तो ये तनाव कम करना, दबाव कम करना किसी भी माँ को सबसे ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए माँ बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसको पाल के दिखा देती है, बड़ा करके दिखा देती है। ये बच्चे को बड़ा करने का तनाव, बच्चे को बीमारियों से बचाने का तनाव, उससे अलग रखने का जो दबाव है माताओं को, इसके लिए मैं जरूर एक जानकारी देना चाहता हूँ सभी माताओं को। ये आप सबको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध से निकाले हुए घी का इस्तेमाल करें सब माता, तो आपको बहुत आसानी होगी। गाय के घी का इस्तेमाल करें दाल में, गाय के घी का इस्तेमाल करें दूध में, और गाय के घी का इस्तेमाल करें नाक सभी माता। तो उनका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो दबाव है, इसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद है घी की। और अब मैं असली बात पर जहां आ रहा हूं वो ये कि किसी भी माँ को अगर ऐसा मन में आ गया कि मुझे तो सीजेरियन होने ही नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी से ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होने देना है, तो उसको आप बोलिए कि नियमित रूप से गाय का घी दूध में मिला के पीती रहे, गाय का घी दूध में मिला के पीती। दूध भी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, घी तो है। एक गिलास गाय का दूध, एक चम्मच उसमें गाय का घी हर माँ गर्भावस्था के समय में पिए, रोज रात को सोने के पहले। गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर माँ को जो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, रात को पीने को दीजिए। बस इतना अगर आपने कर दिया तो समय पर बिना सीजेरियन ऑपरेशन के ही डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म बिना सीजेरियन ही होगा, घी और दूध। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस माँ के शरीर में, कॉम्प्लिकेशन 2-3 है आजकल माताओं के शरीर में। एक तो अंडरवेट, वजन कम है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है।
माँ का वजन कम है, जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। तो उस माँ को बोलिए कि गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें रोज सवेरे चूना मिला के खाए। गाय के दूध का बनाया हुआ घी, सॉरी, गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें चूना मिला के खाए। अब चूना कौन सा, जो पान में खाते हैं, मात्रा कितनी, जीरे के दाने के बराबर, जीरे के दाने के बराबर। तो जीरे के दाने के बराबर चूना और दही, दही कम से कम 100 ग्राम रहे, वो घोलकर रोज सुबह पी ले जो भी मां गर्भावस्था में है, और उसके साथ दो तीन केले खा ले तो सोने में सुहागा। ये उन माताओं के लिए है जिनका वजन कम है सवेरे खाली पेट। तो एक तो चूना नहीं खाए, गाय के दूध का दही और उसमें चूना मिला के, और रात को घी और दूध पिए, बस इतना ही करना है। उस माँ को भी बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। जो खुद अंडरवेट है उसका बच्चा अंडरवेट नहीं होगा, उसका बच्चा सामान्य वजन का होगा, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही वजन आएगा, कम तो नहीं। और अगर बहुत ज्यादा अंडरवेट कोई माँ है, एकदम बेकदम पतला शरीर लकड़ी जैसा, तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बीच बीच में थोड़ा गोमूत्र पीती रहे, दही और चूना खाए नियमित रूप से, रात को दूध और घी पिए नियमित रूप से, और बीच बीच में हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में दो दिन थोड़ा गोमूत्र भी पीती रहे। तो बच्चा 100% उसका ओवरवेट होगा, उससे ज्यादा स्वस्थ होगा, जितनी मां है उससे ज्यादा स्वस्थ है। और मैंने देखा है ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी माताओं पर यह परीक्षण किया है मैंने, और वो सब माताओं के बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। किसी को सर्दी नहीं होती, किसी को जुकाम नहीं आता, कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, किसी को दस्त नहीं लगे, सबके दांत निकले हैं बिना डायरिया और डिसेंट्री। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दांत निकलते समय उनको दस्त हो ही जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था के समय में गोमूत्र पिया, गाय का दूध और घी लिया और चूना और दही लिया, उन बच्चों के दांत निकलते समय पता ही नहीं चला, ना बच्चों को ना माताओं को। और वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि स्कूल जाने लायक हैं, तो उनके अध्यापक बोलते हैं कि ये पहली कक्षा में बैठने लायक नहीं है, इसको तीसरी में भर्ती कर दो, चौथी में भर्ती कर दो, जंप करते हैं। मतलब जो बच्चे 3 साल में सीखते हैं वो 1 ही साल में सीख लेते हैं, माने मस्तिष्क की तीव्रता इतनी है, IQ उनकी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं, और इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, कभी आलसी नहीं रहते। कारण क्या है, गाय का दूध पिया, घी लिया, उनकी माँ ने दूध का दही बना के लिया, मूत्र भी लिया, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी। आप देखो गाय के बछड़े को जन्म लेते ही कूदना शुरू कर देता है, पहले तो जन्म लेगा अपने आप खड़ा होता है, खड़ा नहीं करना पड़ता, अपने से खड़ा होता है, और थोड़ी देर के बाद जंपिंग शुरू कर देगा, और एक दो दिन में तो रनिंग चालू हो जाती है उसकी, पकड़ के देख लो आप उसको। और दूसरे बाजू में जर्सी गाय के बच्चे को दे दो, जर्सी गाय का बच्चा पैदा होगा जमीन पे गिरेगा, अपने आप कभी नहीं उठता, उठाना पड़ता, और जंपिंग तो कभी नहीं मारता, रनिंग तो होती नहीं उसकी, क्योंकि जैसी अम्मा है वैसा वो है। जर्सी गाय दौड़ नहीं सकती, जर्सी गाय के बारे में आप जान लो, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, दौड़ नहीं सकती, धीरे 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 आलसी होके ही चलती है, बैठती, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रहती, ढंग से बैठ जाती, एक बार बैठ जाए तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। अमेरिका यूरोप की जर्सी गाय देखेंगे तो रो देंगे आप, वो तो एक ही जगह खड़ी रहती है, एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल, एक कदम नहीं चल सकती। और वैसी भैंस है, भैंस का बच्चा भी पैदा होता है तो गिरता है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना कूदना तो संभव नहीं है,
तो क्यों अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे हैं? मत पिलाइए दूध, गाय का पिलाइए, आप भी गाय का पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए तो विशेष व्यवस्था करिए। फिर वही प्रश्न आएगा जी, गाय मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं है। यहाँ चेन्नई में गौशाला है, मैं देख के यही चेन्नई में गौशाला है, और गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं हम उनको गाय का दूध देते हैं। तो आप भी जाएंगे आपको भी मिलेगा, और गौशाला वाले ये कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दूध मांगेंगे हम ज्यादा गाय पालेंगे, वो तैयार है, उनको कोई तकलीफ नहीं। वो कहते हैं अभी हमारी एक है, फिर हम दो कर देंगे, तीन कर देंगे, चार कर देंगे। तो ये मन से निकाल दीजिए, गाय मिलती नहीं है, दूध कहाँ मिलेगा, घी काम सब हो जाएगा। मन में तय करने की बात है, संकल्प आने की बात है, संकल्प आ जाएगा तो सब होगा। आप ही कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरा सब माताओं को, भाइयों को, बहनों को आज यही निवेदन है कि गाय के दूध का, गाय के मूत्र का, गाय के घी का, गाय के दही का, दही में से निकले हुए मक्खन का, जिसको सब मिला के पंचगव्य कहा जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें, बहुत अच्छा है। गाय का मूत्र तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का गोबर भी वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का घी सबसे ज्यादा कफ नाशक है और पित्त वर्धक है। गाय का घी कफ नाशक है, पित्त वर्धक है, मैंने पित्त जो है कम हो गया हो, कई बार पित्त कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने की ताकत सबसे ज्यादा गाय के घी में है, और कफ के हर बीमारी को ठीक करने की ताकत गाय के घी में है। इसी तरह से गाय का दूध है, गाय का दूध जो है वो भी पित्त वर्धक है, कफ नाशक है, वात नाशक है, और दूध में से बनाया हुआ दही उससे और ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है, और दही में से निकाला हुआ मक्खन और ज्यादा क्वालिटी का हो जाता है। मक्खन से निकला हुआ घी सबसे बड़ी क्वालिटी है। गाय के दूध की क्वालिटी जो है ना बढ़ती है, दूध से दही बनाओ क्वालिटी बढ़ेगी, दही से मक्खन निकालो और बढ़ेगी, मक्खन से घी निकालो और बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गाय के दूध से निकाले हुए मक्खन को खा खा कर ही कंस का नाश किया। कृष्ण की खुराक जानते हैं क्या थी? श्री कृष्ण की खुराक थी मक्खन। रोज सवेरे श्री कृष्ण जी खाते थे मक्खन, गाय के दूध दही को बिलो के मट्ठा निकाल के मक्खन मिश्री के साथ खाते थे, और वो सब कर गए जो कोई कल्पना नहीं कर पाता। आप भी अपने बच्चों को वही खिलाओ, गाय का दूध दही जमाओ, दही में से मक्खन निकालो, उसको मिश्री के साथ खिलाओ। फिर आप कहोगे जी मोटापा बढ़ेगा क्या, श्री कृष्ण को देखो मोटे हैं क्या, नहीं ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गाय के दूध से निकाले हुए दही, दही के मक्खन से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। कितना भी खाओ मक्खन, मिश्री मिला के खाओ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मिश्री और मक्खन का जबरदस्त मेल है आयुर्वेद। आप खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं। मोटापा किससे बढ़ता है वो जान लो, बाजार में जो मक्खन का पैकेट आता है वो नाम कुछ भी हो उससे मोटापा बढ़ता है। आप बोलेंगे जी बाजार में मक्खन का पैकेट आता उससे मोटापा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए, और वो मक्खन कैसे निकाला जाता है, दूध से सीधे खींचा जाता है। हम हमारे घर में क्या करते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही को ऐसे ऐसे खूब रगड़ा लगाते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, उसके गुण बढ़ते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं। इसलिए भरपेट खाओ मक्खन, बच्चों को खिलाओ। और जिंदगी में भूल जाओ कि गाय के दूध के मक्खन से या दही निकाले हुए मक्खन से मोटापा बढ़ता, कभी नहीं बढ़ेगा। गाय के घी से भी मोटापा नहीं बढ़ता कभी, गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
अभी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा महत्व का प्रश्न आया है, वो सब सुने तो बहुत ही अच्छा है। जैन शास्त्रों में मूत्र और मल के सेवन का निषेध है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जैन शास्त्रों में जो निषेध है ना, वो जीव हिंसा के आधार पर है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, आप चाहें तो लेंस लगा के देख सकते हैं, मैंने खुद देखे हैं, एक दो नहीं कोटि कोटि जीव होते हैं। तो जो शास्त्र में कहा गया है वो जीव हिंसा के आधार पर है, इसलिए जो जैन शास्त्रों का कोई चुस्त तरीके से पालन करते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता बताता हूँ। रास्ता ये है कि ये गोमूत्र है ना, इस गोमूत्र को जब उबाला जाता है, इसको क्या गर्म करते हैं, गर्म करके इसकी बाष्प इकट्ठी होती है, बाष्प को ठंडा करके बोतल में भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोमूत्र अर्घ। ये एकदम संपूर्ण सुरक्षित है और जैन शास्त्र के अनुकूल, उसमें एक भी जीव नहीं रहता। उबल गया, उबलने के बाद फिर बाष्प इकट्ठी हुई, बाष्प में तो कोई जीव नहीं रह पाता, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया वाष्प में रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसके तापमान के अनुकूल नहीं। जो जीव राशि गोबर में है वो गोमूत्र की वाष्प में रह नहीं पाते। और एक और आश्चर्य की बात बताऊं, गोमूत्र में भी जीव राशि नहीं होती, गाय के मूत्र में जीव राशि ही नहीं है, जो गोबर में है वो मूत्र में नहीं। क्योंकि मूत्र में एक तो ऐसे केमिकल है जैसे सल्फर, वो रहने नहीं देता किसी जीव राशि, तो गाय का मूत्र जो आता है वो जीव राशि रहित है। इसलिए जैन शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करने वाले लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप गोबर का उपयोग छोड़कर गोमूत्र का करें, और गोमूत्र में भी ये जो गोमूत्र को गर्म किया हुआ वाष्प इकट्ठा किया हुआ अर्घ है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, दमा वाले श्रीमती इंदिराबाई का सवाल है कि दमा वाले तपस्या के समय गैस और डकार रहने से गोमूत्र का किस तरह से उपयोग करें। गोमूत्र का अर्घ आता है, अर्घ एक चम्मच, अधिक से अधिक दो चम्मच सुबह खाली पेट पी, बस एक चम्मच या दो चम्मच अधिक से अधिक सुबह खाली। पानी नहीं मिलाए तो अच्छा है, लेकिन पी नहीं पाए तो मिला ले, बिना पानी के पिए तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इतनी चीजों के लिए अच्छा। डायरेक्ट पिएंगे तो बहुत अच्छा ना, नहीं फ्रेश वाला अगर मिल रहा है तब तो सबसे अच्छा, नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अर्घ ले सकते। हाँ आज का आज ही ताजा मूत्र जो है ना वो ताजा ही पीना सबसे अच्छा, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गोमूत्र अगर दो तीन दिन रख लिया तो जरूर पानी मिला ले सकते हैं, पानी मिला। फ्रेश सबसे अच्छा। आजकल गायों को इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं, सूखी गाय घास दी जाती है, ऐसी गायों का मूत्र बहुत उपयोगी है। इंजेक्शन देते हैं तो बहुत खराब होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो गाय को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, और वो तकलीफ के कारण गाय के पूरे शरीर में विक्षोभ और विचलन पैदा होता है। उस स्थिति में गाय का दूध बहुत उपयोगी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मूत्र उपयोगी होगा तो कहना मुश्किल है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखें कि जो लोग इंजेक्शन देकर गाय का दूध या वो निकाल रहे हैं उनको या तो बोले कि भाई तुम बंद करो ये इंजेक्शन देना, नहीं मानते हैं तो उनसे कोई संबंध ही ना रखें, उनसे कहें कि तुम दूध देना चाहते हो हम लेना चाहते हैं लेकिन जहर नहीं लेना चाहते, कोई इंजेक्शन तकलीफ करता। हाँ आप उनको समझाइए और बताइए, क्योंकि उनको ये समझ अभी डॉक्टरों ने दी है कि इंजेक्शन ठोकने से अच्छा होता है, दूध जल्दी आता है, दूध ज्यादा आता है, लेकिन इंजेक्शन ठोकने से उसको जो तकलीफ होती है गाय को ये डॉक्टर नहीं बताते। आई भी
अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकाला गया तो जरूर पास आएगी, तो इसको सुधारने का प्रयास करें। इसमें तरीका यही है कि आपका जो दूध देने वाला ग्वाला है, एक दिन उसके साथ शांति से बात करें, उसमें एक बात आप करके देखें परिणाम अच्छा निकले, उसको कहें कि हम तुमको 1 रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे या 2 रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे, तुम इंजेक्शन नहीं लेना। मैंने बहुत लोगों को समझाया और ये बात समझ में आया, उनको इंजेक्शन लगाने का लालच इतना ही है, दूध थोड़ा ज्यादा है और वो ज्यादा बहुत नहीं होता है, तो थोड़ा ज्यादा निकालने का लालच अगर उनका थोड़ा पूरा हो जाए पैसे से, क्योंकि गाय का दूध जो बिक रहा है वो भैंस से सस्ता है, आप भैंस से थोड़ा ज्यादा भाव दे दो, हो सकता है कोई इंजेक्शन लगाना बंद हो जाए। ये बात तो सही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाय का दूध अगर इंजेक्शन लगाया हुआ हो और पैकेट वाला दूध उसके सामने हो तो भी गाय का दूध पैकेट वाले से अच्छा है, क्योंकि ये जो दूध पैकेट में बंद किया जाता है ये तो जैन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अधिक से अधिक 8 से 10 घंटे में इस्तेमाल होना ही चाहिए, और ये पैकेट वाला दूध तो 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना पता ही नहीं है आपको। आजकल तो ऐसा भी दूध आ गया है जिसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, वो तो जैन शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है, उससे अच्छा तो इंजेक्शन लगाया हुआ गाय का ताजा दूध। तो अगर आपको ये चुनाव करना पड़ता हो कि पैकेट वाला ले और ये इंजेक्शन, तो आप निसंकोच इंजेक्शन वाला ले लेंगे, पैकेट वाला उससे भी ज्यादा खराब है। बास आती है तो उसके लिए रास्ते हैं, जैसे एक रास्ता ये है कि उसमें केसर डाल दो, दूध में केसर डाल के आप उसका उपयोग करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिश्री डाल के मिलाओ, मिश्री दूध में मिश्री मिलाओगे सब बास चले जाएंगे, तो मिश्री मिला के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ। और एक रास्ता है कि दूध में थोड़ा घी डाल दो, अगर गाय का है बहुत ही अच्छा है, तो घी जो है ना उसकी शक्ति है, वो सबको अपना जैसा ही बना देता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर, गुड़ ऐसा गुड़ जो बिना केमिकल वाला है ऑर्गेनिक है, उस गुड़ को डालकर पिलाओ, गुड़ की खुशबू आ जाएगी उसमें। तो ये तरीके हैं उसका इस्तेमाल। अब बहुत अच्छा सवाल है कि माँ गर्भवती होती है और रात को दूध पीने से कफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा अगर दूध में घी मिलाया हुआ है। गाय के दूध में अगर घी मिला के माँ को दे रहे हैं रात को, तो बिल्कुल कफ नहीं होगा, माँ को ही नहीं किसी को भी कफ नहीं। खाली दूध पिएंगे, चीनी मिलाया हुआ, तो पूरी संभावना है कि कफ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें दूध से ज्यादा जिम्मेदार है चीनी कफ बढ़ाने के लिए। तो चीनी मिलाया हुआ दूध पी रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि कफ बढ़ेगा, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं घी मिलाया हुआ, कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। मिश्री मिलाकर कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा, गुड़ के साथ दूध पिए कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। हाँ करें, बहुत अच्छा। और मिश्री वो वाली करें जो बड़े बड़े उसकी आती है, डेले कहते हैं क्या कहते हैं, बड़े क्यूब्स जो आते हैं, और उनका डिजाइन एक जैसा नहीं होता, टेढ़े मेढ़े, ये वो शुद्ध है, ये कटिंग की हुई एक जैसी डिजाइन की, ये गड़बड़ है।